मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये पद मुझे छोड़ नहीं रहा है। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि यदि कोई भाजपा के अलावा किसी पार्टी को पैसा देता है तो ईडी इनकम टैक्स का डर रहता है। धन के नाम पर राजनीति करने की बात पर उन्होंने भाजपा की हिटलर से तुलना की। गहलोत सोमवार को जोधपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने मारवाड़ इंटरनेशनल का लोकार्पण करने पहुँचे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बुजुर्ग महिला को लेकर किस्सा सुनाया और कहा, पद छोड़ना चाहता हूँ। किस्सा सुनाते हुए कहा, पद छोड़ना चाहता हूँ। सीएम गहलोत ने एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि एक कार्यक्रम के दौरान महिला मिली, उसने बताया कि हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, एक रुपया खर्च नहीं हुआ, वे आशीर्वाद देने लगी। मैंने मजाक में कहा कि मैं अब इस पद को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। सीएम ने कहा, जिंदगी में मुझे सब कुछ मिला, 50 साल राजनीति करते हुए हो गए, हाईकमान का मुझ पर विश्वास है, 3 बार केंद्रीय मंत्री, पीसीसी अध्यक्ष, 3 बार मुख्यमंत्री बन गया, अब क्या चाहिए बताओ। इस पर ऑडिटोरियम में नारेबाजी होने लगी। फिर सीएम ने कहा, कोरोना काल में हमने बहुत अच्छा काम किया, भीलवाड़ा मॉडल की सब जगह तारीफ हुई। सीएम गहलोत ने इलेक्टोरल बॉन्ड और धर्म पर राजनीति के मुद्दे पर भाजपा को घेरा, किसी पार्टी को पैसा नहीं मिल रहा। सीएम ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर भाजपा पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, वे गैर कानूनी काम कर रहे हैं, एक तरफा बॉन्ड बीजेपी के पास जा रहे हैं, कांग्रेस को कोई देगा तो ईडी इनकम टैक्स पीछे पड़ जाती है, इसलिए किसी दूसरी पार्टी को पैसा नहीं मिल रहा है। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने जिले कांग्रेस नेताओं से भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि जोधपुर में लगातार विकास काम हो रहे हैं। सीएम ने आगे कहा, भाजपा हमेशा धर्म के नाम पर राजनीति करती है, हिटलर भी ऐसे ही धर्म के नाम पर संबोधित करता था, क्या हुआ उसका। भारत की जनता की अक्ल और होशियारी दुनिया की सभी देशों की तुलना में अच्छी है। वाजपेयी जी के समय इंडिया शाइनिंग इंडिया की ब्रांडिंग बीजेपी कर रही थी। सोनिया गांधी कैंपेन करने निकली तो देश की जनता ने कांग्रेस की सरकार बना दी। माई बाप जनता होती है। मुख्यमंत्री ने लोकार्पण कार्यक्रम में अपने 50 साल के राजनीतिक सफर को लेकर बात कही। सीएम ने इसके साथ ही जोधपुर व मारवाड़ में किए गए विकास कार्यों को लेकर बात की। उन्होंने कहा, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम जानबूझकर रखा है, इसका मतलब जोधपुर में 2 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जयपुर व जोधपुर में दिव्यांग यूनिवर्सिटी खोली है, ये बात बड़ी है। फिनटेक यूनिवर्सिटी बन रही है, हमने 4 विश्वविद्यालय जोधपुर को दिए। गहलोत ने कहा कि राजस्थान पिछड़ा हुआ माना जाता था, हमने कई काम किए हैं, लेकिन केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर के लोकार्पण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। 3rd ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए भी कुछ करेंगे। उन्होंने एक वाक्य सुनाते हुए कहा कि एक लड़का मिला, चिल्ला रहा था कि मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मेरा 40 लाख का इलाज हो गया। मैंने गाड़ी रोकी, वे फिर रोता हुआ बोला कि इलाज में मेरा 1 रुपया नहीं लगा। उसने एक कागज दिया जो मैंने रास्ते में पढ़ा, उसमें लिखा कि वह 3rd ग्रेड टीचर है, कैंसर पेशेंट है और ट्रांसफर चाहता है। ट्रांसफर पर बैन लगा हुआ है, बहुत मुश्किल है, हमने तय किया कि उसका निस्तारण करेंगे। कार्यक्रम के अंत में फोक सिंगर मामे खान ने मारवाड़ से जुड़े गानों को लेकर प्रस्तुति दी।